होगा जब आएगा जॉन विक वापस अपने एक्शन मोड में? क्या होगी फिर से बदलों की शुरुआत? क्या जॉन विक चैप्टर 5 में मिलेंगे चैप्टर 3 के अनसुलझे सवालों के जवाब? क्या कोरोना के एक्शन से लड़ने के बाद में इतनी हिम्मत है कि हम आज जिस मूवी सीरीज की बात करने वाले हैं उसके कहर से भी बच सके? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पलक गुप्ता है और आज हम जिस मूवी की बात करने जा रहे हैं उसके पहले चैप्टर 3 के अंतिम दृश्यों की कहानी से प्रशंसक थोड़ा नाराज ही नजर आए। उनको उनके सवालों का जवाब मूवी के अंतिम दृश्यों में ना मिल पाने की वजह से मूवी के निर्देशकों ने इसको आगे जारी रखने का फैसला किया। हम बात करने जा रहे हैं उस शख्स की जिससे अपने कुत्ते और कार से इतना प्यार है जिसके लिए वो किसी की जान भी ले सकता है। जी हाँ, आपने सही पकड़ा है, आने वाले 2022 और 2023 के सालों में आएगी जॉन विक चैप्टर 4 और 5। जॉन विक की पहचान एक एक्शन हीरो के रूप में बन चुकी है जो लोगों को काफी पसंद आती है और जॉन विक के पहले 3 मूवीज में दिखाया जा चुका है कि जॉन विक अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक रखता है। वह एक सोसाइटी है जिसमें सिर्फ अपराधी या फिर सिर्फ वही रहते हैं जो अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक रखते हैं, और इसे मूवी में ऐसे गर्व में दिखाया गया है जैसे गोकुलधाम सोसाइटी की बात की जा रही हो। उस सोसाइटी के कुछ नियम हैं जो सब लोगों को मानना अनिवार्य है। जो भी उन नियमों को तोड़ेगा, समझ लो वो अपनी आखिरी सांसें भी लेने वाला है। ऐसा ही कुछ जॉन विक के कुत्ते के साथ हुआ, जो विक को जरा भी पसंद नहीं आया। उसी वजह से जॉन विक एक्शन मोड में दिख पर माना गया जा रहा है कि जॉन विक पहले से ही 10 गुना ज्यादा एक्शन में आने वाली सीरीज में नजर आएंगे। इसमें वो खुद ही सारे ढिशुम ढिशुम वाले दृश्य करते नजर आएंगे। पहले से ज्यादा हिंसा और पहले से ज्यादा मजा होगा इस फिल्म में। इस आने वाली सीरीज में लोगों को संतुष्ट करने का निर्देशकों ने पूरा इंतजाम कर रखा है। यही कारण है कि जॉन विक 4 के साथ साथ जॉन विक 5 भी साथ ही में आने वाली है, जिसकी शूटिंग भी साथ साथ चल रही है। और अब तो भाई निर्देशकों ने ठान ली है कि सबको संतुष्ट करके ही मानेंगे। माना जा रहा है कि इसमें जॉन विक ही नहीं, लेडी डॉन भी अलग अंदाज में पिस्तल गिरी करती नजर आएंगी, और यही नहीं वो फिल्म के कुत्तों को इशारा देती भी नजर आएंगी, जिसके लिए उन्होंने 5 कुत्तों के साथ 8 महीने ट्रेनिंग भी ली है। ये मूवी पूरी थ्रिलर और एक्शन से भरपूर नजर आने वाली है, और जो लोग बंदूकों, कारों और जर्मन शेफर्ड जाति के कुत्तों के चाहने वाले हैं उन्हें तो इसे देखकर बहुत ही मजा आने वाला है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस वीडियो की मजेदार स्क्रिप्ट लिखी है मनीषा जैन ने। शुक्रिया।